सीजीआई चंद्रचूड को बदनाम करने के लिए पीछे पड़ी बीजेपी की ट्रोल सेना। आखिर सीजीआई के वो कौन कौन से फैसले हैं जिसने मोदी सरकार की सारी हेगड़ी निकाल दी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ऐसा भी वक्त था जब लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ चुका था, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनते ही फिर से वो भरोसा दोबारा कायम हो गया। मोदी सरकार जो प्रत्यक्ष तौर पर न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती थी उसे जोर का झटका दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ अपनी ईमानदारी, अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर हैं। मोदी सरकार की तरफ से सीजीआई चंद्रचूड़ को बदनाम करने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने काम ईमानदारी से करारा तमाचा लगाया। सीजीआई को बेईमान, कामचोर, यहां तक कि नक्सलियों से सांठगांठ होने का आरोप लगाए गए। क्या झूठ फैलाकर चुनाव जीतेगी बीजेपी? गांधी नेहरू बॉस के बाद अब सीजीआई के खिलाफ भी फैलाया जा रहा है झूठ। चुनाव जीतने के लिए झूठ परोस रही है बीजेपी की ट्रोल सेना। सीजीआई ने कई ऐसे फैसले दिए जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। सीजीआई चंद्रचूड़ के आखिर वो कौन कौन से फैसले हैं जिसने मोदी सरकार की सारी हेगड़ी निकाल दी, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दिल्ली बनाम भारत सरकार। केंद्र सरकार ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा रखा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के बॉस थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हर कामों में लेफ्टिनेंट गवर्नर दखल देते थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 8 साल के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ के पास मामला पहुंचा। संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला दे दिया। पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकार के अधिकारों का बंटवारा किया। पीठ ने अधिकारों का बंटवारा करते हुए अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को और पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपी थी। वहीं पीठ ने कहा था चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह मानने का आदेश दिया था, पर महज कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर पलट दिया। उद्धव ठाकरे बनाम महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे बनाम महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहां कहा था यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा न देते तो उनकी सरकार बचाई जा सकती थी। उद्धव ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए उनकी सरकार फिर से बहाल नहीं की जा सकती। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने शिंदे गुट द्वारा चीफ व्हिप की नियुक्ति को भी गैर कानूनी बताया था। हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर अपना कड़ा रुख दिखाया था। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जब भी कोई नफरती भाषण दिया जाए वह बिना किसी शिकायत के स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा हेट स्पीच देने वाले व्यक्तियों के धर्म के प्रवाह किए बगैर कार्रवाई की जाए ताकि भारत के धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र पर आंच न आए। सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने कहा था हेट स्पीच के मामले दर्ज करने में देरी को कोर्ट का अब मानना माना जाएगा। अनुराग ठाकुर मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। देश के गद्दारों को गोली मारो डेस्कू नारे के बाद भी अनुराग ठाकुर और बीजेपी के दूसरे नेता प्रवेश वर्मा पर केस दर्ज न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के फैसले पर तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज करने के लिए जिस एक्शन के होने का जिक्र किया था वो कानूनी रूप से सही नहीं है, जल्द ही इन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। सीजीआई का बिल्किस बानो मामले में बयान। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बिल्किस बानो के मामले में जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा मैं जल्द से जल्द पीठ गठित करूंगा, मामले को जल्द ही सूचीबद्ध की जाएगी। वहीं सीजीआई ने दोषियों की रिहाई पर बड़ी बात कह दी। चंद्रचूड़ ने कहा था सभी दोषियों की रिहाई न केवल याचिकाकर्ता, उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों या उसके परिवार के लिए झटका है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक झटके के रूप में है।